ओके तो और एक बुकिंग आया था रैपिडो में ओ यो हेलो लवली फैमिली मेंबर्स वेलकम बैक टू द चैनल होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है सेकेंड डे, मैं फिर से बाइक टैक्सी में निकलने वाला हूँ। दोपहर का भी बज गए 11:30, थोड़ा मैं घर पे आया था तो सोचा क्यों ना छोटा सा एक राउंड मार के घूम के आया जाए। बाइक टैक्सी जो पार्ट टाइम जॉब है उसके लिए घूम के आऊँ और कैसे क्या अर्निंग होता है 3-4 घंटे में देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स रो। चलिए आज तो पहला बुकिंग आ चुका है रैपिडो में। डिस्टेंस है, पिकअप डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर। चलिए पिकअप करने चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ 3 बजे तक चलाऊँ, तो 3:30 बजे तक देखते हैं। यार कस्टमर को कॉल कर रहा हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है। अभी कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर। हाँ 10 रुपये क्रेडिट कर दिया है वॉलेट में, ठीक है समझ गया। चलो उबेर भी ऑन कर देता हूँ। चलो रैपिडो में और एक बुकिंग आया है, इनको जाना है खिदरपुर। पिकअप डिस्टेंस है 1.3 किलोमीटर। हाँ दिखा रहा है 5 मिनट लगेगा यहाँ से पहुँचने में। चलिए पिकअप कर लेते हैं। इनका है क्या? हाँ दे होती मैं आपका बुकिंग। अच्छा ओके, हेलमेट नहीं है। 7106। मैम ब्लॉगिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था अपना? ओके सो इनका डिस्टेंस है 8.3 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है 29 मिनट्स। लेट्स गो। पुशन है ठीक है। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू मैम। आप वीडियोटा कंटिन्यू रखून, चेष्टा करून एकदम। चलिए और एक राइट आया क्या? नहीं से है एक्चुअली। मैम भी कंटेंट क्रिएटर है, जो अभी मैम आई है तो मैम भी एक कंटेंट क्रिएटर है। तो उनको ही बोला मैं कि आप भी कंटिन्यू रखिए वीडियो। मैम बोल रहे हैं मुझे टाइम ही नहीं मिलता अभी वीडियो बनाने का। अच्छा लगता है एक कंटेंट क्रिएटर से मिलने से, उनका जो थिंकिंग है वो सुनने में अच्छा लगता है। चले दूसरा पिकअप, दूसरा कस्टमर जो आया है बुकिंग उनको पिकअप कर लेते। तो ये वाला कस्टमर ने कर दिया है ट्रिप कैंसिल, तो मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, यहीं पे खड़ा था, कैंसिल कर दिया। तो मैं अभी फ़िलहाल उबेर रैपिडो दोनों ही ऑन करके रखता हूँ, देखते कि इसमें बुकिंग आता है। तो और एक बुकिंग आया था रैपिडो में तो CMRI के सामने, मैं तो आ तो गया। कस्टमर को फ़ोन कर लेते एक बार। हाँ 8290। चलिए बुकिंग आया है रैपिडो में और एक पिकअप डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। तो पिकअप करने चलते हैं। पिकअप लोकेशन तो लगभग पहुंच ही गए हैं, यहीं से सामने से पिकअप है कहीं पे। ये ब्लू गाड़ी क्या? ये खुलेगा कैसे? हाँ जी मैं
कुछ। हाँ बोल रहे कितना पेमेंट करना है, अब ऑनलाइन कर दीजिएगा। हाँ आपको नंबर सेंड किया, पेमेंट करिए, हमको देरी हो रहा है। आ गया। चलो वेट करते हैं नेक्स्ट राइड के लिए। नेक्स्ट ट्रिप भी आ गया अपना रैपिडो से, फिर उबेर को कर देते हैं बंद। चलिए पिकअप लोकेशन तो यहीं से दिखा रहा है। ओ यो दिखा रहा है। थैंक यू। तो फिलहाल जो ड्रॉप था ये शौकर बाजार में ख़त्म हो गया। तो शौकर बाजार से मेरा घर एकदम सामने ही है, तो राइड में अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टाइम 1:45 बज चुका है, और अगर कहीं लॉन्ग राइड आ गया तो मुझे फिर दूर जाना पड़ेगा, फिर वापस आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 4 बजे के बाद मेरा खुद का काम शुरू होने वाला है, ऑफिशियल वर्क है, तो उसके लिए बैठना पड़ेगा। तो फिर मैं अभी राइड नहीं ले रहा हूँ। तो फिलहाल गाड़ी मैंने चलाया कितना, 30 किलोमीटर तो हुआ नहीं अभी तक, घर पहुँचते पहुँचते हो जाएगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर में गाड़ी में अर्निंग कम है, लगभग 200 रुपये अर्निंग हो गया, ठीक है, 70 रुपये का तेल पेट्रोल चला जाएगा खर्चा, वही 100 इतने से टाइम में और कितना ही होगा, 110-120 रुपये का अर्निंग हुआ है। चलिए कुछ नहीं से कुछ तो हुआ, और आप लोगों के लिए वीडियो भी मैं बना पाया कि इतना थोड़ा सा टाइमिंग के अंदर कितना हो सकता है। तो बाकी वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो पे। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू वेयर हेलमेट एंड एंजॉय योर लाइफ माय फ्रेंड्स। बाय बाय।